रहे हैं जी न्यूज 7 खबर गाजीपुर से है, जहां करंदा विकास खंड के सलारपुर गोशंदीपुर चट्टी पर गड्ढा युक्त सड़क होने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक सड़क को गड्ढा मुक्त करने का फरमान जारी किया था, फिर यह अवधि 20 नवंबर तक बढ़ाई गई। फरमान की अवधि समाप्त होने के बाद भी जिले के कई इलाकों की सड़कें अपनी बदहाली पर आंशु बहाते हुए आवागमन करने वालों को परेशान करते हुए यह सोचने से विवश कर रही है कि सीएम के फरमान के बाद भी सलारपुर चट्टी की सड़क की सूरत नहीं बदली, आखिर दोषी कौन? देखिए एक रिपोर्ट। में आए दिन घटना होते हैं, रात में घटना हुई थी यहीं पे, हम लोग ने उसको रात को पट्टी उट्टी करके फिर भेजा उसको घर, वो जेवल धरवा कर रहने वाला था। क्या नाम है आपका? रंजीत रंजन। रंजीत जी किस गांव के निवासी हैं आप? हम कुसंदपुर गांव के निवासी हैं। देखा गया तो आपकी जो रोड है, आपके ग्राम सभा के जो सामने की रोड है, काफी दयनीय स्थिति है, गड्ढा है, क्या कहेंगे आप? और कब से ये गड्ढा है? कब से? तो लगभग 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से गड्ढा है। इसकी शिकायत आप लोग नहीं किए अधिकारियों से? किए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार गए थे तो लोग कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी काम है, रोड का काम लगेगा तो होगा। मतलब ये गड्ढा कभी भी भरा नहीं गया? नहीं, एक बार मिट्टी ये सब ईटा उटा टुकड़ा डाले थे, उसके बाद सब वैसे पानी का रास्ता नहीं है तो कहाँ से जाएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुभाष। सुभाष जी किस गाँव के निवासी हैं आप? सलारपुर। देखा गया तो सलारपुर रोड की स्थिति काफी दयनीय है, गड्ढा है, कब से है यह स्थिति? 5-6 साल लगभग। ये समस्या से कभी निजात नहीं मिलता है आप लोग को? कभी तो ना मिलत बा, कभी हर घड़ी पनिया में लगल रहत है। ये गड्ढा कभी भरा नहीं जाता है, यहाँ पे दुर्घटना भी होती होंगी? रात का, रात का दुर्घटना भई ले। अभी उनका सर फट गया था, पैर में चोट लगी थी सब।